नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से शनि की तमाम समस्याएं कैसे दूर होंगी, और अगर शनि आपके जीवन में मुश्किलें दे रहा है, अगर आपके जीवन में बाधा दे रहा है, तो किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा से वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। महाभाग्य में क्या खास है आज के लिए, चलिए आपको बताते हैं। महाभाग्य में आज बात करेंगे क्या है हनुमान जी और शनि का संबंध। हनुमान जी की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से कैसे दूर होगी शनि की पीड़ा। आज महाभाग्य में बात करेंगे कि हनुमान जी की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से शनि की समस्याएं कैसे दूर होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये शनिदेव का मंत्र है, शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। अगर आपकी 7:30 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, और 7:30 या ढैया की वजह से अगर आपको जीवन में दिक्कत आ रही है, तो इस मंत्र का रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार जप करना चाहिए। अगर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का 108 बार आप जप करें पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके, तो 7:30 का प्रभाव और ढैया का प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी और शनि का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, जो शनि देव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, और हनुमान जी को माना जाता है कि वो सूर्य के शिष्य हैं। इसके पीछे कथा आती है कि सूर्य देव के आदेश पर हनुमान जी ने शनि को समझाने का प्रयत्न किया था। शनि और सूर्य में 36 का आंकड़ा है, शनि और सूर्य का संबंध बेहतर नहीं है। ऐसी दशा में एक बार सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि शनि को समझाओ कि वो अपनी आदतें छोड़ दे, पिता के साथ रिलेशनशिप ठीक रखे और कम से कम पिता की बातें माने। तो हनुमान जी शनि को ये समझाने के लिए गए, लेकिन शनि के न मानने पर शनि उनकी बात नहीं माना, उल्टे वो हनुमान जी से झगड़ा करने को तैयार हो गए। ऐसी दशा में हनुमान जी में और शनि में घनघोर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में बांधकर जगह जगह पर पटका। जगह जगह पर पटकने से शनि बुरी तरह से घायल हो गए। शनि इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए और त्राहिमाम करने लगे। हनुमान जी को दया आ गई, द्रवित हो गए, और द्रवित होकर हनुमान जी ने शनि को चोट पर लगाने के लिए सरसों का तेल दिया, ऐसा कहा जाता है। शनि ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो कोई भी हनुमान जी की उपासना करेगा वो उसे पीड़ा नहीं देंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथा आती है। और विशेष रूप से जो शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करेगा उसे शनि का भय नहीं होगा। तो एक परंपरा चली आ रही है कि अगर शनि की पीड़ा ज्यादा हो जीवन में या शनि का भय ज्यादा हो जीवन में, ऐसी दशा में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, रोज करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम अगर आप शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि की पीड़ा से, शनि की बाधाओं से आप मुक्त रहेंगे, मुश्किलों से दूर रहेंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि शनि की पीड़ा जब होती है जीवन में तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, और हनुमान जी उनका समाधान कैसे करेंगे। पहले ये जानते हैं कि समस्या कैसी आती है। सबसे पहली समस्या आती है रोजगार में और इनकम के मामले में। शनि रोजगार और इनकम के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अगर शनि पीड़ा देगा आपको तो आपकी रोजगार की स्थिति में और आपकी इनकम की स्थिति में समस्याएं आएंगी। आपकी रोजगार में, इनकम में प्रॉब्लम होंगी। आर्थिक बाधाएं
आपको लगातार परेशान करेंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप लगातार परेशान रहेंगे। आपको स्वास्थ्य भी परेशान करेगा, खास तौर से नर्वस सिस्टम की, न्यूरो की प्रॉब्लम से आपको दिक्कत होगी और आपको हड्डियों की समस्या भी होगी। वैसे तो ज्यादातर मामलों में हड्डियों की समस्या के पीछे सूर्य होता है, लेकिन जब शनि गड़बड़ होता है या शनि परेशान करता है तो न्यूरो और हड्डियों से मिली जुली समस्या जीवन में आनी शुरू हो जाती है। शनि जब पीड़ा देता है या शनि जब परेशान करता है, तब शनि जब पीड़ा देता है, परेशान करता है, तो व्यक्ति को चोट चपेट लगती है, खासतौर से पैरों में चोट लगती है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और कभी कभी गंभीर दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर शनि कुपित हो गया, शनि नाराज हो गया या शनि की वजह से आपको पीड़ा हो रही है तो जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाता है। छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए, छोटी सी नौकरी पाने के लिए, थोड़े से पैसे पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और मुश्किलें व्यक्ति की बढ़ती चली जाती है। तो अगर शनि आपको पीड़ा देगा तो ये बात जाने रहिए कि जीवन में जो सबसे पहला असर पड़ेगा वो आपके रोजगार पर और आपके करियर पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो इस बात का पड़ेगा कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। अब ये जानते हैं कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें। मान लिया पहली समस्या है कि शनि की वजह से आपको रोजगार की प्रॉब्लम है या आर्थिक समस्या है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम को, चाहे तो अपने घर में, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को दो पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे। रोज सुबह और रोज शाम को तुलसी के दो पत्ते, जिसको तुलसी दल भी कहते हैं, ये आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। तीन तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, तीन बार सुबह और तीन बार शाम को। अगर शाम को नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम केवल सुबह के समय तीन बार हनुमान चालीसा का बैक टू बैक आपको पाठ करना है। और पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो आपके रोजगार में, जो आपकी आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाए। इसके बाद जो तुलसी दल है, इसको प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। ऐसा आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके रोजगार की, आपके नौकरी की समस्याएं अगर कोई हैं तो रोजगार नौकरी की समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपके बेहतर रोजगार की व्यवस्था बन जाएगी। अगर शनि की वजह से आपको चोट चपेट लग रही हो और दुर्घटनाओं के योग हो, बार बार लगता हो कि दुर्घटना हो जाएगी, या सेहत की समस्या से आप परेशान हैं, आपको कोई न्यूरो प्रॉब्लम परेशान कर रही है, या आप दुर्घटना के बार बार शिकार हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइए। अपने घर में भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने रोज सवेरे चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग अर्पित कीजिए, गुड़ का भोग लगाइए हनुमान जी को। और इसके बाद बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए। आपको पहले भी बताया था कि जीवन में जब मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएं और कोई रास्ता न दिखाई दे तो ऐसी दशा में बजरंग बाण बहुत कारगर होता है। तो एक बार बजरंग बाण का पाठ करें सुबह सुबह, और गुड़ का भोग लगाए हैं जो, उसका प्रसाद ग्रहण करके तब घर से निकलें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निश्चित रूप से आपके सेहत की समस्या, आपके दुर्घटना की समस्या, आपके जीवन मरण की जो बाधा है, ये तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी।
अगर शनि की दशाओं की वजह से, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर दशा है, शनि की प्रत्यंतर दशा है, या शनि की साढ़े साती है या ढैया है, जिसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि की साढ़े साती, ढैया, ये सब दूर हो जाए, शनि की दशा महादशा में दिक्कत ना हो, इसके लिए मंगलवार को और शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करेंगे। अपने घर में बैठ करके या मंदिर में बैठ करके मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करना बहुत आवश्यक होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना बेहतर होगा। शनिवार के दिन भी हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के खड़े हो जाइए। हनुमान जी के नेत्रों के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे, हनुमान जी के आंखों के सामने जब खड़े हो जाएंगे, तो आपके ऊपर जो भी शनि का प्रभाव है, जो भी शनि की निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, वो निगेटिव एनर्जी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करने से भी आपको लाभ होगा, खासतौर से जिनकी कुंडली में शनि की दशा है, महादशा है, अंतर दशा है, प्रत्यंतर दशा है, या शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, उनको सुंदर कांड का पाठ तो करना ही है, लेकिन हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन भी जरूर करना है। अगर शनि की वजह से कोई भी समस्या हो जीवन में, रोजगार की ना हो, सेहत की ना हो, करियर की ना हो, अपयश की समस्या बन गई हो, संतान की तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो, या संतान नहीं हो पा रही हो, या पैसे नहीं ठीक से मिल पा रहे हो, मतलब शनि की वजह से कोई भी दिक्कत अगर जीवन में हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो, या शनि आपको जीवन में कोई भी दिक्कत दे रहा हो, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करेंगे। शनिवार को स्नान करके, वस्त्र बदल करके हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इसके अलावा रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। ये मंत्र रोज सवेरे 108 बार पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अगर कोई व्यक्ति ये मंत्र नियमित रूप से सुबह के समय पढ़ता है, तो उसके ऊपर शनि की बाधाएं नहीं आती, उसको शनि किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकते। एक तो ये मंत्र सुबह पढ़िए, और दूसरा हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन कीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि ही घातक होती है, और जब आप हनुमान जी की आंखों के सामने जाएंगे, उनके नेत्रों के सामने जाएंगे, तो हनुमान जी जब आपको देखेंगे या आप उनका दर्शन करेंगे, तो आपके ऊपर से जो शनि का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गले में एक तुलसी की माला भी धारण कर लीजिए। किसी भी दिन नहा धोकर गले में एक तुलसी की माला पहन ले। तुलसी की माला गले में पहनने से भी इसके विशेष प्रभाव प्राप्त होते हैं, और इसको पहनने से शनि संबंधी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। तो हनुमान जी की कृपा से आप शनि को बांध सकते हैं, शनि को शांत कर सकते हैं, और शनि संबंधी अगर पीड़ा जीवन में है तो उस पीड़ा को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी की एक स्तुति है जिसको कहते हैं संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इसको कहते हैं हनुमान जी की स्तुति, संकट मोचन हनुमानाष्टक। अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई और कठिन समस्या आ गई हो, या अचानक से कोई समस्या आ गई हो शनि की वजह से, अचानक से घर में कोई आफत आ गई हो, या अचानक से कोई समस्या आ गई हो और उसका समाधान समझ में नहीं आ पा रहा हो, तो जिस समय ये समस्या शुरू हो, उसी समय आप संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप नियमित रूप से संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि शनि की आकस्मिक आई हुई बाधा से आप बच जाएंगे। अगर अचानक कोई शनि की बाधा आ जाती है, तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों वेला एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा।